और उन्होंने भगवान चंदा प्रभु के सामने जाकर, उस समय मुनि नहीं होते थे, सप्तम प्रतिमा के व्रत भगवान से प्राप्त कर लिए कि आज से मैं शुद्ध भोजन करूंगी, सप्तम प्रतिमा के व्रतों का पालन करूंगी। कठोर तपस्विनी हो गई, घर में रहकर एक टाइम भोजन, गर्म पानी पीना, रात्रि में मौन रखना, दो साड़ियों का जिन्होंने नियम ले लिया, दो वस्त्र से ज्यादा मैं अपने जीवन में नहीं रखूंगी। घर में रह करके जिसने सन्यासिनी का जीवन जी लिया, चटाई पर सोना प्रारंभ कर दिया, घास पर सोना प्रारंभ कर दिया, अंतराय पालने लगी और अपना भोजन खुद बनाती, किसी बहू से कह दिया, तीनों बहुओं से, कि मैं भोजन बनाऊंगी, पहले तुम खाओगी और तुम्हारे बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगी। सोले का भोजन बनने लगा, शुद्धि का भोजन बनने लगा। और जब तक हमने देखा है, वो जब तक ग्रस्त जीवन में रही, तीन में से किसी बहू ने उन्हें खाना नहीं परोसा होगा। जब भी भोजन बनता था, अपने हाथ से वह बहुओं से कहती थी कि तुम भी पराए घर की बेटियों हो, आओ, मां का फर्ज है पहले तुम्हें भोजन कराओ। पूरा घर भोजन करता था, उसके बाद पूर्णिमा देवी अपना भोजन ग्रहण किया करती थी। ऐसे परिवार संभाले जाते हैं, ध्यान रखना। कोई भी काम होता था, बहुओं को आगे कर देती थी, खुद पीछे हो जाया करती थी। अपना जीवन जिन्होंने बहुओं को महान बनाने में लगा दिया। जब हम लोगों का जन्म हुआ तो एक ही चीज कहा करती थी, बेटे संसार में नहीं फंसना है, अपने को आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना है, जीवन उसी का। मैं उस समय छोटा था, मेरे से बड़े भाई जो आज आचार्य जयसागर के रूप में जाने जाते हैं, वह भी मुनि है, वह भी सन्यासी है। हम दोनों छोटे थे, मंदिर भेजती थी, मंदिर कितना दूर था, यहां से मान लो सामने का गेट, घर से ही भगवान दिख जाया करते थे। घर के सामने ही मंदिर बनाया था और मंदिर के ठीक सामने इनकी बैठक हुआ करती थी। जब भी दृष्टि पड़ती थी, चंदा प्रभु भगवान पर उनकी दृष्टि पड़ती थी, कोई गलत काम मेरे से ना हो जाए, हमेशा ये सोचती थी कि धर्म विरुद्ध काम ना हो जाए मेरे से, मेरे भगवान मुझे दरवाजे से मुझे देख रहे हैं। अभूतपूर्व समता भाव था जिनके जीवन में। मान्यवर, मैं आज ये बातें इसलिए बता रहा हूं, ये मत सोचिए कि उनसे मेरा रिलेशन, इसलिए बता रहा हूं, ये बातें आपके जीवन में और घरों में प्रेरणा का काम करेंगी, घरों को बदलने का काम करेंगी, कि कैसे कैसे लोग इस धरती पर हुए हैं। वह हम दोनों भाइयों को बुलाती, इधर आओ। वहां पर एक परंपरा है, मध्य प्रदेश में महिलाएं अभिषेक नहीं करती हैं, भगवान को नहीं छूती हैं, और मंदिर तो बना लिया, और यदि किसी ने अभिषेक नहीं किया तो फिर भोजन कैसे करेगी, बिना अभिषेक के खाती नहीं थी। हम दोनों भाइयों को, हम लोग छोटे छोटे थे, बोलती थी भगवान का अभिषेक करके दिखा दो, हम कहते थे हमसे नहीं होगा, अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, हम नहीं करेंगे भगवान का अभिषेक, कौन कुएं में पानी लेने जाएगा। पहले माली और ये पुजारी तो चलते नहीं थे, खुद ही पानी भरना था, खुद ही सामग्री ढोना था। आजकल तो रेडीमेड पुजारी मिल जाते हैं किराए के, पहले नहीं हुआ करता था। भगवान की पूजा, दान और धर्म ये दूसरों से नहीं कराए जाते, अपने हाथों से करना चाहिए, स्वयं के हाथों से करना चाहिए। उन्होंने कभी, और जाने से पहले 60 एकड़ जमीन मंदिर के नाम लिख करके गई, कि यदि खानदान में बुरे दिन भी आ गए तो मैं मंदिर के नाम जमीन करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि यदि तुम्हारे बुरे दिन आ गए, बुरे दिन तो बड़े बड़े सम्राटों के भी आते हैं, मैं लिखती हूं कि जो इस मंदिर की पूजा अपने हाथों से करेगा, ये 60 एकड़ जमीन हमेशा उसके नाम रहेगी, कोई इसे बेच नहीं सकता, कोई इसे खरीद नहीं सकता है। ऐसी वसीयत लिखी, कलेक्टर को उसमें सदस्य बना दिया, जो भी कलेक्टर आने वाले समय में होंगे सब इस ट्रस्ट के ट्रस्टी कहलाएंगे, और कलेक्टर की जाते पहला कलेक्टर हट जाएगा, दूसरा कलेक्टर इसलिए रखा कि हमारी औलाद इसे बेच ना सके, ध्यान रखिए। आज भी 60 गांव जमीन, 60 एकड़ जमीन उस मंदिर के नाम करके गई हैं। 120 अमरूद के बगीचे, 120 पेड़, 80 पेड़ आम के, आज भी वो मंदिर
किसी समाज का मोहताज नहीं है, ध्यान रखिए। अरे तुम तो अपनी औलाद को विरासत देकर जाते हो, ये वो हैं जिन्होंने औलाद को कुछ नहीं दिया बल्कि जिनालय और जिन मंदिर के लिए अपनी वसीयत लिख करके चली गई। ये सदियों रहना चाहिए, ये मंदिर मेरा प्राण है, मंदिर मेरा जीवन है, लिख गई वो वसीयत। संयोग तो देखो, मेरे हाथ में 40 पैसे रखे, आज भी उन पैसों का वजन मुझे महसूस होता है। मेरे भाई, मैंने कहा तू 1 रुपया देती थी, आज जाते समय 40 पैसे क्यों दे रही है? बोले मेरे पास 40 ही पैसे हैं, इससे ज्यादा नहीं है बेटा, ये 40 पैसे रख। मैंने कहा 60 पैसे का क्या होगा? बोले अब आशीर्वाद देकर जा रही हूँ, 40 पैसे मेरी विरासत है, 60 पैसे तुझे कमा के दिखाना है। और अपने कमा करके एक बात ध्यान रखना, कमाने का अर्थ ये नहीं कि तू नोट कमाएगा, कि 60 पैसे का मतलब इतना ही है कि 60 पैसे जो तुझे बाकी रह गए हैं, ध्यान रखना, धन दौलत मत कमाना बेटा, संन्यास लेना, दीक्षा लेना और जीवन का कल्याण करना। अंतिम सीख दे गई, मैं 10 साल का बच्चा, मैं क्या जानू संन्यास क्या होता है, बस 40 पैसे दे के विदा हो गई। और जैसे ही दुर्ग में पहुंची, वहां देख करके हतप्रभ रह गई, आचार्य संग मौजूद। ध्यान रखना, इस देश का यदि आचार्य शांति सागर के बाद कोई कठोर तपस्वी संत इस धरती पर हुआ है तो आचार्य शनमती सागर जी महाराज हुए हैं। उन जैसी तपस्या, उन जैसा त्याग, आप सोचिए 1 लीटर मट्ठे में जो जिंदगी गुजार देता हो, जिसने कभी नमक नहीं खाया, जिसने कभी मीठा नहीं खाया, फलों का त्याग कर दिया। और ध्यान रखना, कभी 8 दिन में आहार लेते, कभी 10 दिन में आहार लेते, ऐसी मासोपवासी तपस्या करने वाला कोई संत इस धरती पर हुआ तो आचार्य शनमती सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने कभी अपने जीवन में, ध्यान रखना, जिस दिन से दीक्षा ली कभी थूका नहीं उन्होंने, ध्यान रखना, थूकने को पाप समझा करते थे, कैसे भी दृश्य आ जाए कभी मुंह से नहीं थूका उन्होंने, कितनी भी बीमारियां हो जाए दवाएं नहीं ली उन्होंने, ध्यान रखना। ऐसा कठोर तपस्वी संत, एक एक महीने के उपवास करने वाले, निर्जल उपवास करने के बाद भी 3-3 घंटे की सामायिक खड़े होकर के करना, ये तपस्वी सम्राट का जीवन था। ध्यान रखिए, ऐसा महान जीवन, आप लोगों ने तो दर्शन किए होंगे उनके, कठोर साधना जिनकी। मान्यवर, सूप के हड्डी का कंकाल हो गए थे अंत समय में, हाथ खराब हो गया, गिर पड़े, प्लास्टर नहीं बंधवाया, इलाज नहीं कराया, ऐसे ही हाथ लेकर के घूमते रहे। ऐसा कठोर तपस्वी, ऐसी साधना जो मुश्किल से 3 घंटे सोते होंगे, अल्प विश्राम लेते होंगे, रात तपस्या, दिन तपस्या, एक तपस्या की मूरत को इस धरती पर हुआ आचार्य शनमती सागर जी महाराज, इस धरती पर हुए। 1 लीटर छाछ में अंत समय गुजारा उन्होंने, और उसके बाद भी 30-30 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत रखने वाले वह संत थे। गर्मी हो, सर्दी हो, बिहार हो, उपास उनके कभी नहीं रुके। दुर्ग में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आहार पर तब उठूंगा जब कोई मुझसे दीक्षा लेगा, ऐसा कठोर संकल्प। अरे रात्रि भोजन हो तो लोग त्याग दें, प्रतिमा लेना हो तो लोग ले लें, दीक्षा लेगा तो आहार लूंगा वरना आहार पर नहीं उठूंगा। चतुर्मास में संकल्प लिया, पर्युषण पर्व चल रहे थे, 10 दिन तक महाराज के आहार नहीं, पूरे समाज में चिंता का विषय बन गया कि 10 दिन से साधु भूखा है, महाराज ये आंकड़ी बदलो, ऐसी प्रतिज्ञा मत करो, इसे छोड़ दीजिए महाराज, कौन दीक्षा लेगा? वो दीक्षा कोई बच्चों का खेल है क्या कि आज दे दी आहार, दे दिया दीक्षा हो गई, फिर दीक्षा छोड़ दी, पूरी जिंदगी दांव पे लगा, ऐसे ही संकल्प होते थे महाराज के। समाज की चिंता हो गई कि आहार के, महाराज ने कहा नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कोई दीक्षा नहीं लेगा तो समाधि ले लूंगा लेकिन आहार नहीं लूंगा। हतप्रभ रह गई समाज, क्या करे, पंच मीटिंग करते, क्या व्यवस्था की जाए इसकी, किसे दीक्षा दिला दे? और उस समय तो कोई इतनी दीक्षा लेता भी नहीं था कोई। ध्यान रखना,
जब पुण्य का उदय होता है ना, तो जंगल में देवता भी आहार दे दिया करते हैं। संत को ध्यान रखिए, 10 दिन तक आहार नहीं हुआ, रोज उठते, रोज कहते हे स्वामी नमास्तु नमास्तु, वो पूछते दीक्षा दीक्षा दीक्षा, 20-20 चौके लगते, कोई दीक्षा का नाम आए लोग पीछे हो जाते, कौन लेगा दीक्षा। इतिहास की पहली घटना होगी, ध्यान रखना, कि जो संन्यास ले तो आहार लूंगा। जब मेरे ग्रस्त जीवन की दादी वहां दर्शन को पहुंची, उन्हें पता चला कि 10 दिन से आचार्य ने आहार नहीं लिया है, उन्हें प्रवचन सुना कि 10 दिन का भूखा साधु फिर भी उसकी वाणी में तेज है ओज है। दर्शन किए, प्रणाम किया, महाराज के दर्शन को सामयिक के बाद गई, महाराज मैं आई हूं मध्य प्रदेश से, बुंदेलखंड से आई हूं, मैं बहुत दुख है मुझे इस बात का कि इतनी बड़ी समाज और साधु भूखा बैठा है। महाराज ने कहा मेरा संकल्प है जो दीक्षा नहीं लेगा तो इस गांव में मैं आहार अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसी घटना घटी, आंखें भर आई उसकी कि मैं गुरु दर्शन को आई हूं, 11 दिन आ गए कोई दीक्षा नहीं लिया, कौन लेगा दीक्षा, और महाराज भी अपने संकल्प से हटने वाले नहीं हैं। एक दिन गई शास्त्र सभा के बाद, एकांत में बैठी और उसने कहा इतनी बड़ी समाज और साधु भूखा, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा जीना बेकार है, यदि मेरा गुरु बैठा है तो ये ग्रास तो मेरे मुंह में नहीं जा रहा है, गुरु का 11 उपास हो गए और मैं भोजन करूं। झट से उठी, आचार्य श्रीमती सागर के पास गए, महाराज कल आपका पारणा होगा, पारणा होगा, संकल्प मालूम है तुझे, दीक्षा। उन्होंने कहा अभी कलयुग इतना नहीं आया है, कोई तो चंदना होगी जो महावीर को आहार कराएगी, कल इतना घोर कलयुग नहीं आया है, अरे मेरा जीना बेकार है कि मेरा गुरु भूखा है और मैं रोटी खाऊंगी, आचार्य आपसे निवेदन है मुझे दीजिए दीक्षा, मैं संन्यास धारण करती हूं, आजीवन घर गृहस्थी का त्याग करती हूं। बोले पागल हो गई हो, इस उम्र में पैदल चलोगी। बोले जब कह रही हूं तो चलूंगी, अरे गुरु के लिए जान दे दूं, मैं वो श्राविका हूं, मेरा गुरु भूखा नहीं रहना चाहिए, मैं कोई संन्यास के भाव से नहीं आई हूं, लेकिन बस गुरु भूखा है, अब लौट के घर वापिस नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन पड़गाहन किया, तपस्वी सम्राट को आहार दिया, सुबह आहार दिया और उसी दिन घोषणा हो गई कि कल प्रातः काल 9 बजे पूर्णिमा देवी को दीक्षा प्रदान की जाएगी, और उन्होंने संन्यास धारण कर, कोई कोई सोच नहीं था उनका कि मैं कोई दीक्षा ले, उनने तो ये सोचा था कि दर्शन करने जा रही हूं अभी वापिस लौट करके आ जाऊंगी। विचार करिए, एक आचार्य का आहार कराने के लिए जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया हो, त्याग कर दिया हो, ऐसी तपस्विनी संसार में दिखाई। परिवार में पहले तो फोन भी नहीं चलते थे, तार चलती थी, चिट्ठी चलता था, टेलीग्राम चलता था, और दीक्षा को समय कहां था, आज आहार कल दीक्षा, कोई साधना नहीं, वो तो उनकी साधना घर से ही चल रही थी, एक टाइम भोजन की, बस पैदल ही तो चलना, उन्होंने कहा और क्या करना है, केस लॉन्ची तो करना है, कर लूंगी मैं। ध्यान रखना, 62 साल की उम्र में संन्यास और दीक्षा ले लिया करती हैं, और दुर्ग की समाज में कहते हैं कि जिस दिन उनकी दीक्षा हुई उस दिन आकाश से चंदन की वर्षा हो जाया करती है, और आचार्य श्रीमती सागर ने ऐसी भक्त को, ऐसी शिष्या को दीक्षा देकर उनका नाम रख दिया, तेरी मति ऐसी मति नहीं, तेरी मति तो देवों की मति है, और उन्होंने देवमति आर्य का नाम उनका घोषित, दीक्षा ले ली माता जी, पूरा परिवार गया रोते बिलखते, माता जी बोली अब कुछ नहीं, अब संसार सागर से मैं पार हो गई हूं। जब मैं गया दर्शन करने उस समय मेरी उम्र 15-16 साल हो गई होगी, मैं गया देख करके बहुत रोया, दादी ने कहा मेरी मां से किसे ले जाओ यहां से, बोले कहा नहीं वापिस चलो घर, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा।
उन्होंने कहा नहीं, तुम वापस तुम नहीं समझते हो, ये सन्यास है, ये दीक्षा है। यहां आने के बाद आदमी घर वापस लौटता, मैंने पिछली कमंडल छीन लिए और आचार्य सन्मति सागर से कहा कि आपको क्या हक है मेरी दादी को सन्यास देने का, बिना पूछे कैसे सन्यास दिया। सन्मति सागर मुस्कुराए, बोले बालक बुद्धि है। दादी ने कहा आचार्य इन पे ध्यान मत दो, मोह रो रहा है, रोने दो। मैंने कहा वापिस चलो, बोले अब नहीं जाऊंगी। नागपुर में मिला मैं उनको, रामटेक में उनकी दीक्षा के बाद, मैंने कहा वापिस चलना पड़ेगा, बोले मैं नहीं जाऊंगी वापिस। मेरी मां से कहा कि इसे उठाओ यहां से, लोग तमाशा देख रहे हैं। मैं जब आने लगा तो मैंने एक ही चीज कही कि तुम नहीं जाओगी, बोले नहीं। तो मैंने कहा आप ये बताइए मुझे क्या विरासत सौंप के आई हो। हर दादा दादी अपने बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, तुमने क्या दिया है मुझे? वही अभिषेक का एक रुपया, और कुछ नहीं दिया। मेरी मां ने कहा ये तुमसे वसीयत मांग रहा है। मैंने कहा दो मुझे, मेरा हक है, क्या सौंप कर आई हो मुझे? चुप रह गई, सन्नाटा। मैंने कहा बिना लिए नहीं जाऊंगा, या तो तुम्हें लेकर जाऊंगा या तुमसे कुछ लेकर जाऊंगा। शुरू से ऐसी बुद्धि थी, क्या करे, अड़ गए तो अड़ गए। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ दीजिए। आचार्य सन्मति सागर ने कहा दो ऐसे कुछ। मेरी मां समझी कि अभी महाराज लोग क्या देंगे, नियम पकड़ा देंगे काल कि नियम ले लो और चले जाओ। उस समय ना जाने कैसी उनकी सोच चिंतन था। मैं तो सोच सोच कर आज हैरान होता हूं कि एक अनपढ़ आदमी इतनी गहरी सोच रख सकता है। उसने कुछ नहीं किया, बोले तुझे वसीयत चाहिए, तुझे चाहिए कि मेरी दादी ने मुझे क्या दिया है। उन्होंने अपनी पिच्छी उठाई और एक पंख तोड़ा उसका, ले मेरी विरासत, ले मेरी वसीयत, एक सन्यासिनी इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती है। और एक पंख तुझे दे रही हूं, ध्यान रखना, एक पंख दे रही हूं बस। और जानता है तू जिस हक से मुझसे अपनी विरासत मांग रहा है, मैं भी तुझसे अपेक्षा रखती हूं इस एक पंख को हजार पंख बनाना, इस एक पंख को हजार पंख में परिवर्तित करना, तो मैं कहूंगी मेरे घर में सपूत पैदा हुआ है। और यदि ये एक पंख गुमा दिया तो मैं कहूंगी मैंने किस कपूत को अपनी संपदा सौंप दी है। जा बेटा सपूत बनना। मैं समझा नहीं ये क्या कह रही है, लेकिन अब समझ में आता है वो एक पंच मुझे हजार पंख की पिच्छी पकड़ा रहा था कि जा सन्यास की विरासत ले, एक सन्यासी इसके अलावा और क्या मसीहत देगा अपने बच्चों को। उन्होंने वह एक पंख दिया और ना जाने उस समय मेरी समझ में कुछ ना आया और वो पंख ले जाके मैंने अपनी किताब में रख दिया। मेरे मन में ये आया, पहले यही होता था मोर पंख रखो तो विद्या आती है, ज्ञान आता है। और जब तक मैं पढ़ते रहा वो पंख मेरे पास हमेशा रहा। और आज कहता हूं वाहरी अनपढ़ सरस्वती, तूने मुझे आचरण की संपदा प्रदान कर दी, तूने मुझे वो ज्ञान दिया कि आज मैं बारामती के इस पंडाल में बैठकर लोगों को धर्म का उपदेश प्रदान कर रहा हूं। ध्यान रखिए, वो विरासत दी उन्होंने मुझे, वो वसीयत दी उन्होंने मुझे कि इसे संभालो, इसमें वृद्धि करो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मुनि बनूंगा। जयसागर जी को मुनि अपने हाथों से बनाकर गई, उन्होंने दीक्षा कराई अपने सामने। मैं छोटा था, मुझे कहा पढ़ो लिखो, अभी तुम्हारा ये काम नहीं। ध्यान रखना, उस गांव में 70 घर की जैन समाज है, मात्र 70 घर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस गांव की पहली सन्यासिनी कोई है, तुम्हारी का देवमती माता जी है। और उनके बाद आज उस गांव से 30 लोग सन्यासी बनकर के घूम रहे हैं, 30 सन्यासी हैं। विचार करिए, कोई आरिका है, कोई मुनि है, कोई एलक है, कोई चिल्लक है, कोई ब्रह्मचारी है। मेरे ही परिवार से मैं अकेला नहीं हूं, उन्होंने दीक्षा ली, इस शरीर के बड़े भाई ने दीक्षा ली, मैंने दीक्षा ली, मेरी चाची आज आरिका है, चिल्लिका के व्रत पालन कर रही है। मेरी माँ ने देखा कि सब दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी घर संसार और परिवार का त्याग, ये तपस्वियों का परिवार, ये त्यागियों का परिवार, जहां
यहाँ सन्यास लेने की होड़ मची हुई है, हर कोई सन्यास मांगा करता है, हर कोई दीक्षा मांगा करता है। ये विरासत है हमारे पूर्वजों की, ये वसीयत है हमारे पूर्वजों की। मान्यवर आपसे निवेदन है, सब सन्यासी अभी और लाइन लगी है घर में, जो उस दिन रक्षाबंधन पर देखा था जो चमक धमक कर आई थी, सबके संकल्प हैं कि जिम्मेदारी से मुक्त होके हम भी आरिका के व्रत धारण करेंगे, सन्यास के व्रत, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। और आज 30 सन्यासी उस घर से, प्रज्ञा सागर जी महाराज वह भी हमारे वहीं के हैं,